और वही अति कश्यप हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरोपी अरुण मौर्य से पूछताछ में खुलासा हुआ है। असद के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर रह चुका अरुण मौर्य। प्रयागराज केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में चौंकाने वाले और नए खुलासे हो रहे हैं। एक नई जानकारी ये सामने आई है कि असद शेरे अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था और उस ग्रुप का सक्रिय सदस्य था अरुण मौर्य। अरुण मौर्य वही है जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, जिससे कि पुलिस की पूछताछ चल रही है और जो अतीक अहमद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। दरअसल जिस शेरे अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप को असद चलाता था, उसके बारे में ऐसी बात कही जा रही है कि वो उस ग्रुप में अतीक अहमद के वर्चस्व से जुड़ी हुई जो तमाम वीडियोस बनाए गए थे, उन वीडियोस को डालता था ताकि अतीक अहमद के खौफ को प्रसारित और प्रचारित किया जा सके। इस जानकारी के तहत ये बात भी सामने आई है कि कुछ दिनों तक शेरे अतीक ग्रुप में रहने के बाद अरुण मौर्य उस ग्रुप से लिफ्ट कर गया और बाद में उसने गैंग 90 नाम से जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उसमें वो शामिल हो गया। वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या असद और अरुण एक दूसरे को पहले से जानते थे? इस हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हुए हो रहे हैं, हालांकि अब पुलिस की पूछताछ भी चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तमाम ऐसे तथ्य हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं और तमाम ऐसे रहस्य हैं जिनका सच सामने आना बाकी है। और वैसे में जिस तरीके से ये नई बात सामने आई है शेरे अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर, कहीं ना कहीं ये बात भी चौंकाने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो चाहे हम लवलेश तिवारी की बात करें, अरुण मौर्य की बात करें या फिर सनी सिंह की बात करें, भले ही इनको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हों, इनके बारे में कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उसकी तरह बनना चाहते थे। दरअसल इसके पीछे कहानी ये भी कही जा रही है कि असद की मौत के बाद जो अतीक गैंग के सक्रिय गुर्गे थे वो आपस में पैसों को लेकर, अतीक के कारोबार को लेकर कहीं ना कहीं उनमें खींचतान शुरू हो गई थी। हालांकि देखा जाए तो ये तमाम वे तथ्य हैं, तमाम वे पहलू हैं जिनका सच सामने आना बाकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस सच से पर्दा हटाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनाश का। विनाश, ये बहुत बड़ा खुलासा है, लगातार पूछताछ हो रही है और एक एक करके नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये खुलासा बहुत बड़ा है और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई जो अरुण है वो असद को जानता था, और अगर जानता था तो उसने ग्रुप क्यों लेफ्ट किया? क्या ग्रुप लेफ्ट करने के पीछे की वजह वर्चस्व है या कोई और बात? अविनाश, देखिए राहुल, इस केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। जहां तक सवाल अरुण का असद के शेरे अतीक ग्रुप से जुड़ने का है, तो चूंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि पुलिस की पूछताछ में ये जानकारी निकलकर बाहर आई। हालांकि देखिए, पुलिस की तरफ से पूरी जो पूछताछ चल रही है उससे जुड़ा कोई भी तथ्य सामने नहीं रखा जा रहा है, चूंकि बहुत ही गोपनीय तरीके से पुलिस की पूछताछ है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से तमाम चीजें कही जा रही है जिसमें ये नई बात सामने आई है। और देखिये, ये दरअसल ये जो जानकारी है बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक इन तीनों का कोई कनेक्शन अतीक गैंग के साथ सामने नहीं आया है और ये जानकारी भी सामने नहीं आई है कि ये किसी तरीके से अतीक या उसके बेटे को जानते थे। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि असद ने जो ग्रुप बनाया था शेरे अतीक, उसमें अरुण भी जुड़ा था, अरुण चूंकि देखा जाए तो प्रयागराज से उसका अभी तक जो भी जांच हुई है अभी तक उसका कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, वैसे में असद के ग्रुप से जुड़ना कहीं ना कहीं ये बात चौंकाने वाला है। अगर असद को अरुण पहले से जानता था तो शायद इस पूछताछ में और भी तमाम जानकारी निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए और उसी की वजह से आज पुलिस ने पूरे सीन को रिक्रिएट किया। लेकिन देखिए, अब चूंकि इसमें अगर इस बात में सच्चाई है जो जानकारी सामने आई है, तो उसके तहत पुलिस की जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी कि लवलेश तिवारी और जो तीसरा आरोपी है सनी, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड सबसे लंबा चौड़ा है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, उससे क्या कुछ कनेक्शन है।
तो असद और अरुण को लेकर जो बातें अभी सामने आई है, हालांकि चूंकि बाद में कहा गया कि वो गैंग 90 नाम से जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसमें शामिल हो गया, तो वैसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर असद के ग्रुप में वो पहले से मौजूद था तो उसने ग्रुप से लिफ्ट क्यों किया और किस तरीके के संबंध थे? क्या सिर्फ इन दोनों के संबंध व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित थे या फिर जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे अरुण की बात करें या फिर असद की बात करें, क्या कोई इनका आपराधिक कनेक्शन भी था? तो ये तमाम सवाल है, तमाम ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। शायद पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इन रहस्यों से, इन तथ्यों से पर्दा हटेगा। बिल्कुल अविनाश, नजर बना के रखिए एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश आपका बेहद शुक्रिया। कौशाम्बी की बात करते, जहां पर विधायक राजूपाल हत्याकांड के मामले में आरोपी अब्दुल कवि के भाई अब्दुल वली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सराय अखिल क्षेत्र से 15,000 के रामी अब्दुल वली की गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल वली पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। ये जो 15,000 का इनामिया है अब्दुल वली, ये हमारे यहाँ से सरायकल थाने से 307 के मामले में और एक्सक्लूसिव एक्ट के मामले में और जो दुर्दांत अपराधी अब्दुल कवि है उसको शरण देने के मामले में वांछित था। इसमें 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये आज सरेंडर करने के लिए आया हुआ था और ये सटीक सूचना के आधार पर हमारी टीम लगी हुई थी जिसने इसको गिरफ्तार किया है और इसमें पूर्व से ही मुकदमा पंजीकृत है, इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।